दोस्तों, कई बार इंटरव्यू में एक और सवाल पूछा जाता है, और वो सवाल क्या है ध्यान से देखिए। वो सवाल है कि आप लोग के पास कंपनी में कितना स्टॉक अभी अवेलेबल है और आप लोग का क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस क्या है, ये आपको पता करना है तो आप लोग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग को गेटवे ऑफ टैली से स्टॉक समरी पे जाना है, और यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास सारा स्टॉक तो दिखाई दे रहा है लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि यहां पर जो मेरा स्टॉक है वो कितना है। आप लोग को प्रेस करना है यही F5, और जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे आप देखेंगे आप लोगों के पास टोटल जो स्टॉक अवेलेबल है वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये देखिए नेगेटिव में दिखाई दे रहा है, ये आपका स्टॉक है। और अगर आप चाहते हैं कि यहां से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज का जो स्टॉक है वो दिखाई दे जिनमें नेगेटिव आ रहा है, कंट्रोल जे, और कंट्रोल जे करने के बाद आप लोग ये देखिए नेगेटिव स्टॉक, इस पे क्लिक करिए और अब आपको वो स्टॉक शो हो रहा है जो कि आपकी कंपनी में नेगेटिव है, जिसके अंदर आपका कोई भी स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो कैसी लगी वीडियो? वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे जरूर शेयर करें।